ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलर। तो दोस्तों, आप लोगों के आज बताने वाला हूँ आप लोग ISCTC के न्यू वेबसाइट से न्यू अकाउंट किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ISCTC। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉगिन के साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर के, सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर लेना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद चेक कर सकते हैं ये यूजर नेम वैलिड है या फिर नहीं है। इसके बाद फिर से नीचे की तरफ क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। तो इस टाइप को अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ पे भी सर्च कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद व्हाट टू योर पेट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मोहित टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करना है, इसके बाद मिडिल नेम, इसके बाद लास्ट नेम। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैं सबसे पहले अदर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं फटाफट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, जो भी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये अनमैरिज है या मैरिज है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आप अनमैरिज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी आपको यही टाइप करना है जो आपको बिल्कुल फ्रेश हो, यानी कि ISCTC पे कभी आपका रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पर देख सकते ई मेल आई डी में यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर आपको वो टाइप करना है जो ISCTC पे कभी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, यानी कि इस नंबर से कभी भी अकाउंट नहीं क्रिएट किया गया है। तो मैं फटाफट सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ आपको फिर से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो मैं फटाफट एड्रेस फिल कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बिहार लिखता हूँ, यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिख देता हूँ। आपको आधार कार्ड में जो ही एड्रेस होगा वही एड्रेस आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर रहते हैं वह नियर बाई वहाँ के एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर फटाफट एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर लिया हूँ। इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर सर्च करना है, यानी वो टाइप करना है जो मोबाइल नंबर पहले आपने टाइप किया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो फटाफट मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे पर क्लिक करना है और यहाँ पर IM NOT A ROBOT पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया था, अनक्लिक है, तो फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली आ चुका है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें इस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। इसके लिए हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपने जो अकाउंट यानी कि यूजर नेम बनाए थे उस यूजर नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड पे पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जीमेल चेक कर लेते हैं। हमारे जीमेल पे भी एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा ISCTC की ओर से। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जीमेल पे भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है ISCTC की तरफ से। तो वही यूजर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड फिल कर टाइप करने के बाद लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड फिल कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कैप्चर फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करने के लिए सिंपल आपको वेरीफाई मोबाइल विथ OTP पे क्लिक करना है। जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आ जाएंगे, OTP आपको फिल करना है। तो हमारे मोबाइल में एक OTP आ चुका है, तो मैं फटाफट OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड, यानी कि मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई तो हो गया, लेकिन अब जीमेल आईडी हमें वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद हमारे जीमेल पे एक OTP आएंगे, तो OTP हमें देखना है। तो मैं जीमेल ओपन कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे जीमेल पे OTP आ चुका है। ये OTP कॉपी भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं मैंने OTP यहाँ पर फिल कर दिया हूँ।
इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ईमेल आईडी वेरीफाइड, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों हमारा वेरीफाई हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से हमारा अकाउंट जो है IRCTC पे क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे इस अकाउंट को लॉगिन करके देखते हैं क्या लॉगिन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे फिर से हम लॉगिन करते हैं, तो मैंने यहाँ IRCTC ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद हमें कैप्चर फिल करना है, तो जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था न्यू वही यूज़र आईडी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसके बाद पासवर्ड टाइप करूँगा। तो मैं फटाफट सबसे पहले तो यूज़र आईडी मैंने टाइप कर दिया हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो सेट किया था पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें फटाफट कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा IRCTC अकाउंट जो है लॉग इन हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से ट्रेन टिकट बुक भी कर सकते हैं, नॉर्मल टिकट या फिर तत्काल टिकट। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।